आप सबका अपने YouTube चैनल के टू द पॉइंट कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं हम ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में। हम समझने का प्रयास करेंगे कि ओपन स्काई एग्रीमेंट होता क्या है और समसामयिक दृश्य से ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले बात आती है ओपन स्काई एग्रीमेंट। ओपन स्काई एग्रीमेंट का मतलब होता है उड्डयन विभाग से संबंधित है, उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। कैसे? इसका मतलब होता है असीमित उड़ान। इस एग्रीमेंट के माध्यम से कोई भी कंट्री, कोई भी देश किसी देश के साथ जब स्काई एग्रीमेंट करता है, ओपन स्काई एग्रीमेंट करता है, इसका मतलब होता है कि वह देश जिस देश के साथ उसने समझौता किया है, उन दोनों देशों के बीच उड़ानें जो होती थी, जो व्यापारिक उड़ानें होती थी, वो असीमित हो सकती हैं। अभी तक क्या होता है, जिनके पास, जिन देशों के साथ ये एग्रीमेंट नहीं होता है, उनमें क्या होता है कि बायलेटरल जो है इशू होते हैं, बायलेटरल जो द्विपक्षीय रूप से हम एक निर्णय करते हैं कि कितनी उड़ानें संबंधित देशों में जाएंगी। तो कहने का मतलब है ओपन स्काई एग्रीमेंट चर्चा में क्यों है, यह समझने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में यूएई, खाड़ी का देश है यूएई, तो यूएई ने भारत को प्रपोजल दिया है कि यूएई भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करना चाहता है। अब ओपन स्काई एग्रीमेंट यूएई करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं, इन सब को समग्र रूप से हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करिएगा। तो सबसे पहली बात हो गई ओपन स्काई एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि असीमित उड़ान। मतलब यदि भारत यूएई के साथ यह समझौता कर लेता है तो भारत और यूएई के बीच जो व्यापारिक उड़ानें होती हैं, जो कमर्शियल उड़ानें होती हैं, वो असीमित हो जाएंगी, उनकी संख्या निश्चित नहीं होगी। मतलब जिस अनुसार पैसेंजर की, यात्रियों की मांग होगी, उसी अनुसार जो भी कैरियर हैं, चाहे भारत का या यूएई का, वो असीमित उड़ानें यहाँ पे संचालित कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया ओपन स्काई एग्रीमेंट है क्या। अब इससे फायदे क्या होने हैं, सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं। यदि ओपन स्काई एग्रीमेंट यूएई के साथ होता है तो फायदा इससे क्या होगा। फायदे की यदि बात करें तो इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहली बात है कि जब भी आप जानते हैं कहीं भी मार्केट में जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो क्या होता है कि उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध होता है। तो उसी प्रकार से यदि बहुत सारे विकल्प होंगे तो क्या होगा कि मूल्य जो होगा वो उचित होगा, मतलब हमें ज़्यादा मूल्य नहीं देना पड़ेगा उड़ानों के लिए। तो मतलब एक फ़ायदा है कि उचित मूल्य मिलेगा हमें, दूसरा है कि बेहतर सेवा, जब कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी विभिन्न जो कैरियर हैं उनके बीच, तो निश्चित रूप से बेहतर सेवा भी जो भी इसके यूजर हैं उनको मिलेगी। तीसरी बात आती है कि यदि ये एग्रीमेंट होता है तो दोनों देशों के बीच एक बेहतर संपर्क स्थापित होगा और द्विपक्षीय संबंधों में भी कुछ प्रगति इनके माध्यम से देखने को मिल सकती है। अब आगे और समझते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से कि पूर्व की स्थिति क्या थी, अभी तक की स्थिति क्या थी। तो अभी तक जो भारत उड़ानें संचालित करता था यूएई के लिए, या यूएई जो भारत के लिए उड़ानें संचालित करता था, उसमें एक द्विपक्षीय संधि हुई रही होगी और उस द्विपक्षीय संधि के अनुसार प्लेनों की संख्या, हवाई जहाजों की संख्या सीमित रही होगी कि आप प्रतिदिन इतने उड़ानें संचालित कर सकते हैं। तो द्विपक्षीय संबंधों में जो संख्या होती है, अभी तक की जो स्थिति है वो सीमित होती है। अब बात आती है कि पूर्व की जो स्थिति है, मतलब जो मौजूदा स्थिति है, इससे फायदे क्या हैं। यदि इसके फायदे की हम बात करें तो ज़्यादातर देश ओपन स्काई एग्रीमेंट इसलिए नहीं करते हैं, ज़्यादातर विकासशील देश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ओपन स्काई एग्रीमेंट के माध्यम से जो उनके डोमेस्टिक, जो उनके घरेलू कैरियर होते हैं, उनको थोड़ी सी क्षति होती है। जैसे आप जानते हैं यदि ओपन स्काई एग्रीमेंट यहाँ पे हो जाता है तो जो हमारे घरेलू ऑपरेटर हैं, जैसे इंडिको हो गया, हमारा जेट एयरवेज तो बंद हो गया, इसके अतिरिक्त गो एयर हो गया, इस तरह से जो हमारे घरेलू स्पाइस जेट हो गया, तो जो हमारे घरेलू कैरियर हैं उनको क्षति होगी। क्षति कैसे होगी, क्योंकि इनकी जो प्लेन है, प्लेनों की संख्या सीमित है, इनकी जो गुणवत्ता है वो भी उस अनुरूप नहीं है जैसे कि यूएई के जो दो बड़े वहां के कैरियर हैं, जैसे कि एमिरेट्स के बारे में आपने सुना होगा, इतिहाद के बारे में आपने सुना होगा, तो ये दो बहुत बड़े कैरियर हैं और ये दोनों यदि भारतीय मार्केट में आते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे घरेलू
कैरियर हैं जो हमारे घरेलू उड़ान संचालक हैं, निश्चित रूप से ये उस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये यूएई के जो कैरियर हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनके अनुरूप सेवाएं दे सकते हैं, ना ही उनके अनुरूप हम प्राइस जो है मूल्य रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से इससे घरेलू जो भी हमारे उड़ान संचालक हैं उनको नुकसान होगा। तो इसको बोलते हैं, जो पूर्व की स्थिति वर्तमान में जो स्थिति है इसको बोला जाता है संरक्षणकारी नीति। संरक्षण किसको दिया जा रहा है? अपने घरेलू ऑपरेटरों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो आपने समझ लिया कि पूर्व की स्थिति के क्या फायदे हैं और जो वर्तमान में यूएई मांग कर रहा है उससे क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब आइए आगे और समझते हैं। आप जानते हैं नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में आई थी। 2016 में नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी, ये लेटेस्ट हमारी है। इसके अनुसार हमने ओपन स्काई पॉलिसी जो है, ओपन स्काई एग्रीमेंट कुछ देशों के साथ किया था। जैसे हमारा ओपन स्काई एग्रीमेंट था सार्क देशों के साथ। सार्क देशों में यदि आप देखो तो सारे के सारे विकासशील देश हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे हमें उस अनुरूप कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा था। तो हमने सार्क देशों के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट किया था। और इस पॉलिसी में जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में आई थी, वहाँ पे एक प्रावधान यह भी था प्रावधान कि हम ओपन स्काई एग्रीमेंट उन्हीं देशों के साथ करेंगे जो नई दिल्ली से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित हों, सॉरी 5000 किलोमीटर की परिधि में स्थित होंगे। मतलब जो भी देश नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर की रेंज में होंगे उन्हीं से हम ओपन स्काई एग्रीमेंट आगे करेंगे। ये कहाँ पे था? नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जो 2016 में लाई गई थी उसमें ये चीज़ें दी गई थी। और ये जो लिमिट रखी गई थी 5000 की, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखी गई थी जिससे जो खाड़ी देशों के ऑपरेटर हैं, जो खाड़ी देशों के वहां के संचालक हैं, उनसे भारतीय जो हमारे घरेलू ऑपरेटर हैं उनको एक प्रकार से संरक्षण दिया जा सके। तो ये जो लिमिट की वैल्यू थी ये सिर्फ और सिर्फ खाड़ी देशों के ऑपरेटरों से हमारे घरेलू ऑपरेटरों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। अब यदि भारत सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में कुछ बदलाव करने होंगे। आइए आगे समझते हैं। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए? मान लीजिए यदि ये समझौता हो जाता है तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जो एमिरेट्स हैं और जो इतिहाद है, ये दो बहुत बड़े ऑपरेटर हैं यूएई के। यदि ये भारत के घरेलू मार्केट से असीमित उड़ान प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी हमारे घरेलू ऑपरेटर हैं, जैसे इंडिगो ने भी अब विदेश सेवा प्रारंभ कर दिया है, तो इस तरह के जो हमारे घरेलू ऑपरेटर हैं वो निश्चित रूप से इस प्रतिस्पर्धा में मुकाबला नहीं कर सकते हैं और उनको हानि होगी। दूसरी बात आती है कि इससे और क्या फ़ायदा मिल जाएगा, जो यूएई के ऑपरेटर हैं उनको और क्या फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि यूएई के जो ऑपरेटर हैं बेहतर सर्विस देते हैं, बेहतर सेवाएं देते हैं, तो ज़्यादातर लोग जब प्राइस सेम होगा तो उन्हीं की तरफ झुकाव रखेंगे। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिएगा कि 5th and 6th फ्रीडम ऑफ एयर, ये एक रूल है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5th and 6th फ्रीडम ऑफ एयर ये है क्या? 5वां और 6वां फ्रीडम ऑफ एयर ये है क्या? तो इसमें है जो 5th हमारा है फ्रीडम ऑफ एयर, इसके माध्यम से है कि कोई भी ऑपरेटर जो है, जब वो दो विदेशी देशों, मतलब विदेश में किन्हीं दो देशों के बीच अपनी उड़ानों को संचालित करेगा, तो जरूरी नहीं है कि वो जिस देश में जा रहा है वहीं के यात्रियों को ही बैठाए, वो किसी तीसरे देश के यात्रियों को भी अपने साथ ले जा सकता है। मतलब कहने का है कि यदि मान लीजिए, उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए आप जो है भारत से जो है रूस जा रहे हैं, भारत से आप रूस जा रहे हैं, तो यदि मान लीजिए रूस का कोई ऑपरेटर है और वो भारत के साथ इस समझौते में आ गया है, तो वो 5th फ्रीडम ऑफ एयर के माध्यम से क्या कर सकता है? सबसे पहली बात कि भारत से रूस
तक जाने वाले जो डायरेक्ट फ्लाइट है रूस तक, उनको तो बैठा ही सकता है, उनके लिए टिकट जारी कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ यदि कोई मंगोलिया वाला भी चाहता है, यदि कोई मान लीजिए दक्षिण कोरिया जाना चाहता है, तो उनको भी यदि वह ऑपरेटर चाहे तो अपने साथ ले जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से ऑपरेटर क्या करते हैं कि कोई भी ऑपरेटर हुआ, मान लीजिए उसको सवारियां उस अनुरूप में यात्री नहीं मिल रहे थे, तो उसने दक्षिण कोरिया की सवारियों को भी उसमें बैठा लिया, यात्रियों को भी उसमें जगह दे दिया। अब ये जो प्लेन है सबसे पहले कहाँ जाएगा, भारत से रूस जाएगा। रूस जाने के बाद, क्योंकि रूस की जो ऑपरेटर कंपनी है उसके बहुत सारे प्लेन होंगे और रूस से दक्षिण कोरिया की भी कनेक्टिविटी होगी, तो यहाँ से ये यात्रियों को ले जाके रूस एयरपोर्ट, जहाँ भी जिस एयरपोर्ट के लिए आपने बुक किया है वहाँ ले जाके आपको छोड़ देगा। बाद में जब यहाँ से अगली उड़ान दक्षिण कोरिया के लिए होगी सेम ऑपरेटर की, तो आपको वहाँ से बैठा के दक्षिण कोरिया भेजा जाएगा। इससे क्या होता है कि जब इस तरह के ऑपरेटर, मान लीजिए कि कोई प्लेन है 100 सीटें उसमें रिजर्व हैं और 100 सीटों में सिर्फ रूस जाने के लिए 50 ही सवारियां उपलब्ध हैं, 50 वैकेंट जा रही है, तो कंपनी क्या कर सकती है, फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर के माध्यम से आसपास के जिन देशों में ज़्यादा मांग है, ज़्यादा यात्री जाने वाले हैं, उनको भी अपने साथ ले जा सकता है, इससे उसको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात आती है सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर, इसके माध्यम से है जब भी कोई ऑपरेटर किन्हीं दो विदेशी देशों के बीच उड़ान संचालित करता है, तो वह बीच में अपने देश में रुक सकता है। मतलब मान लीजिए पाकिस्तान का कोई ऑपरेटर है, पाकिस्तान की कोई वायु जो संपर्क कंपनी है, और वो भारत और यूएई के बीच अपनी उड़ान संचालित कर रही है, तो वह क्या कर सकती है कि भारत और यूएई के बीच जब उड़ान जाती है तो बीच में वो पाकिस्तान में भी उसको लैंड करा सकता है। तो इससे क्या होगा कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों को भी वो बैठा सकता है और जितनी सीटें वैकेंट होंगी उतनी पाकिस्तान से यदि यूएई जाने वाले यात्री हैं तो उनको भी बैठा सकता है। तो दोनों में ये अंतर है, अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर क्या है, कि किन्हीं दो विदेशी देशों के बीच, किन्हीं जैसे मान लीजिए भारत का ऑपरेटर है तो किन्हीं दो विदेशी देशों के बीच यात्राएं संचालित करानी है। मान लीजिए आपको रूस से जाना है ब्रिटेन, तो आप जब रूस से ब्रिटेन के जा रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि ब्रिटेन के ही यात्रियों को बैठाएं, आप फ्रांस के भी यात्रियों को बैठा सकते हैं, जर्मनी के भी यात्रियों को बैठा सकते हैं, मतलब तीसरे देश के भी यात्रियों को यदि आपने जगह दे दिया तो वो किसके अंतर्गत देते हैं, फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर के माध्यम से। और सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर के माध्यम से होता है कि यदि हम कोई उड़ान संचालित कर रहे हैं, रूस से मान लीजिए ब्रिटेन जा रही है, तो प्लेन को हम भारत में भी लैंड करा सकते हैं, किसके अंतर्गत, सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर के माध्यम से। तो ये दो महत्वपूर्ण रूल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं कि इससे होगा क्या। आप जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और यही जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं इन्हीं के नियमों के अधीन संचालित की जाती हैं। तो अब यदि इसी तरह से बना रहा, मान लीजिए यूएई ने मांग किया है, तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ओपन स्काई एग्रीमेंट यूएई के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें नुकसान होगा, जो हमारे घरेलू ऑपरेटर हैं उनको नुकसान होगा। तो भारत के पास विकल्प क्या है, क्योंकि भारत मना भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो क्या करना चाहिए भारत सरकार को, भारत सरकार को क्या कर देना चाहिए कि जो पहले लिमिट है द्विपक्षीय बैठक के साथ, जो पहले हमारी लिमिट है उसको कुछ इंक्रीज कर देना चाहिए, लेकिन ओपन स्काई एग्रीमेंट करना वर्तमान समय में भारत के घरेलू ऑपरेटरों के लिए उचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि एक बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है और चीजें क्या है, ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या है, इससे क्या फायदे और नुकसान है, आप सब बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, धन्यवाद।